हमार के सुबह अरे सब्जी भी कर रहा बैठ जाओ बैठ तो हमने फोटो बैठ के ले बैठ तो क्या कर रहा है लाइट है जी मैं कौन है अगला दिखाने ये कौन है अगला कोने ये कौन है अगला अरे आपको खाना है मैडम जी मैं क्या कर रही हूं पकड़ काटो ऐसे जनाब ये सजा दी है मैंने पोषण टोकरी सब बच्चों का मतलब सर कद्दुआ ककड़ी अखरोट इनके हुए ये हैं बच्चे खुश होके बैठे हैं पोषण टोकरी के सामने ये है पोषण टोकरी इसमें कद्दू ककड़ी नींबू भिंडी आंवला और ककड़ी मक्का तुरई चौलाई और ककड़ी क्या क्या है इसमें अदरक तीत करेले और धान के बाल हमारे क्षेत्रीय जो उपज हैं मडुआ हमारे पहाड़ की मुख्य उपज जिससे आयरन भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है ये हैं मक्के और ये घर के केले हैं पहाड़ी केले ये है बाजरा ये है चू चू जिसको हम पहाड़ में बोलते हैं चू तो ये सारे पहाड़ी खाद्यान्न अमरूद भी है ना हाँ अदरक भी है तो आंवला भी है ये आंवला इसे विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है और क्या है बेटा घी भी है मूली भी है अखरोट भी है तो ये अखरोट सारे आइटम रंग बिरंगे फूल तो इन सारी चीज़ों से हमने एक पोषण टोकरी तैयार की है और इसके आगे का जो कार्यक्रम है वो फिर मैं आगे को सिखाते जाऊंगी आप देखते जाइए उसके अंतर्गत सितंबर माह में हमारा पोषण माह मनाया जाता है हमारे बीच उपस्थित इस ग्राम के ग्राम प्रधान को मेरा नमस्कार और मैं उनका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे बीच उपस्थित इस स्कूल के प्रधानाचार्य उनको भी मेरा नमस्कार मैं उनका भी इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे बीच उपस्थित प्रचार के समस्त ग्रामवासी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारा आज यहाँ जो एकत्रित होने का मुख्य कारण है वो है हमारा सुपोषण माह हमारे हर साल हर माह सितंबर माह में सुपोषण माह मनाया जाता है इसका मुख्य कारण यह है जो बच्चों में कुपोषण पाया जाता है उसको दूर करने के लिए तो लोगों को जागरूक करना है कि हम बाहर से कुछ खरीद के नहीं लाएं हमारे आसपास ही ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम सेवन करके ठीक है कार्यक्रम तो उसी के प्रति है उसी के बारे में लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है जो हमारे आसपास जो हमारे स्थानीय खाद्यान्न हमारे स्थानीय फल जो पाए जाते हैं उनका सेवन करने से हम अपने पैसे बच्चों को कुपोषण से दूर रख सकें
उसकी जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस माह दी जाती है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में इस माह पूरे अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं जिसके माध्यम से बाल विकास योजना से सुपरवाइजर सोनू मैडम किया जाता है कि आप लोगों को बताते हुए आप कुपोषण और सुपोषण के बारे में कुपोषण दूर रहेगा। जैसे गर्भवती महिला है उसको अपने प्रेग्नेंट टाइम में क्या क्या खाना चाहिए और कितना आराम करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन करना चाहिए उनको इन सब चीज़ की जानकारी दी जाती है जिससे उनका बच्चा आगे स्वस्थ पैदा हो और एक स्वस्थ नागरिक बन सके। और एक किशोरी बालिका जो उसको बचपन से ही पूरा ही पोषण मिलेगा तो आगे चलकर एक गर्भवती बनेगी फिर एक माँ बनेगी जो अगर वो बचपन से ही सुरक्षित होगी स्वस्थ होगी तभी वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। हमारा इस माह मनाने सितंबर पोषण माह मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम गांव वासियों को जागरूक करना है। अब हम जैसे कोई बाजार हर कोई गांव में ऐसा तो नहीं है कि बाजार से कोई विटामिन खरीद के ले आए कोई कुछ ले आए ये तो ज़रूरी नहीं है। हमारे आसपास ही जैसे मडुआ पाया जाता है मडुआ में बहुत कैल्शियम होता है तो हम अपने बच्चों को उसको खिलाने की आदत डाल रहे जिससे हमारे बच्चों में कैल्शियम की कमी दूर होगी। और जो हमारी हरी सब्जियाँ हैं जिसमें खनिज लवण पाया जाता है जिससे आयरन की कमी दूर होती है तो हम उनको वो आदत डालें यही हमारे इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है। और हमने हाँ यहाँ जो आज रंगोली बनाई है ये उसी की उद्देश्य बनाई है ताकि हम बता सकें लोगों को अट्रैक्ट कर सकें कि हमें अपने जो स्थानीय खाद्यान्न हैं उनका भरपूर प्रयोग करना है जिससे हम अपने बच्चे को स्वस्थ कर सकें और कुपोषण से दूर कर सकें। आप लोग यहाँ आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसीलिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जैसे गर्भवती महिला है आई हैं क्या पूर्व गर्भवती महिलाएं आई है बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या क्या खाती है तो आपको क्या करना है संतुलित आहार करना है एक दिन में पूरा संतुलित आहार करना है। संतुलित आहार जिसे हमने बना रखी है पोषण थाली इसमें सब कुछ है फल भी फ्रूट भी और आपके स्थानीय सामान जो जो आपके घर में उपलब्ध है उसी से हम अपने शरीर को पूरा विटामिन दे सकते हैं और पूरी प्रोटीन दे सकते हैं। और बस यही कहना चाहती हूँ मैं बताना चाहती हूँ हमने आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा सर दो शब्द तो बोल दीजिए। हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं आप। हमने आज ये ठाना है घर घर जाके बताना है पोषण का ये अभियान सब रखे अपना ध्यान घर का भोजन ग्रहण करें फल हरी सब्जी खाना है
स्वस्थ शरीर बनाना है, कुपोषण दूर भगाना है, हमने आज ये खाना है, घर घर जाके बताना है।